वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हाल ही में हुआ, जिसमें राम निवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया था। वहीं राम निवास रावत ने 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। वे श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से छठी बार विधायक चुने गए हैं। वहीं राम निवास रावत का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर को एक नया मोड़ दिया। जैसे हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान राम निवास रावत जी ने आज शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्यप्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहां विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज शपथ ली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसे मैं पूर्ण सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा और काम को अलग से दिखा करके दिखाऊंगा कि अलग तरह से काम कर रहा है।